सो कॉन्फिडेंस कैसा बिल्ड करना चाहिए ना, ये सवाल है। 52nd डे चालू है और ये टाइम पे तुम लोगों को ये मोटिवेशन का ज़रूरत है। कोई बात नहीं, मेरा काम ही है कि जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वो तुम लोगों के साथ शेयर करो। एक बच्चे को अगर इसका फ़ायदा हुआ तो सही है। मुझे लगता है कि तुम लोगों का अभी प्रिपरेशन का सही टाइम चालू हुआ है। मतलब प्रिपरेशन तो पहले से ही करना चाहिए था, लेकिन अभी आग लगा हुआ है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्चों का ये कंप्लेन होता है कि सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं क्लासरूम में बैठता हूँ तो सब आता है, लेकिन पेपर में जाऊँगा तो कन्फ्यूजन होता है, याद ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है, ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये हमने बनाया हुआ माइंडसेट है। ये पढ़ाई छोड़ के बाकी सब याद है, कल क्या किया था, कल क्या खाना खाया था, सब कुछ याद है। खाली यही चीज़ हमें याद नहीं आ रहा है, इसके पीछे एक रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि लोगों का आई फैक्टर मिसिंग है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो हर चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट होगा, ऐसा क्या ज़रूरी है। मुझे कुछ जगह अलग जगह पे इंटरेस्ट रहेगा, किसी को और कुछ अलग जगह पे इंटरेस्ट रहेगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबका इंटरेस्ट सब जगह पे रहेगा, ऐसा नहीं है। अभी इंटरेस्ट नहीं है फिर भी तो चला, गाड़ी तो चलाना ही है ना। अरे हमें डेस्टिनेशन तक तो पहुंचना ही है, पास तो होना ही है, इंटरेस्ट नहीं है बोलकर थोड़ी चलेगा। तो फिर ऑप्शन क्या है इसके लिए? ऑप्शन एक ही है, जो मैंने किया था वो तुम लोग करो। मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ जो मैंने हर टाइम टॉप मारा हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं भी ऐसा अप डाउन स्टेजेस से आया हुआ है। कैसा है कि मैं जानता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ के पीछे अगर हाथ धो के पड़े ना, हाथ पूरा, तो हम उसको सही से कैप्चर कर सकते हैं, हम उसको अपने फेवर में ला सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं कोई कॉलेज का टॉपर भी पर ऐसा नहीं हूँ। हाँ एक बार स्कूल में पहला आया था, ठीक है, 12th साइंस में मैं सेकंड आया था, ठीक है, लेकिन मेरा बचपन वाला जो जर्नी है वो पास वाला ही है, बाउंड्री पे पास। लेकिन मैंने एक चीज़ क्या सीखा है कि सिंपल है, तुम लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है, करना ही है ना। तो तुम लोग है ना उधर खुद को ये समझाइए कि मैं 5 बार करके हराऊंगा तुझे। कोई एक एग्जाम्पल है या कोई कंसेप्ट है, समझ नहीं रहे और वो गारंटेड है कि पेपर में आने वाला ही है, तो हमें उसको छोड़ना नहीं है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम देखते हैं, सूंघते हैं और चले जाते हैं, देखेंगे सूंघेंगे चलेंगे, थोड़ा बहुत हो गया थोड़ा बहुत हो गया, ऐसा होता ही नहीं है। वी आर टेक्निकल पीपल, हमें है ना गारंटेड उसका सोल्यूशन मालूम होना चाहिए। क्या इशू हुआ है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। प्रोग्राम रन करते हुए एक छोटा सा इशू हुआ, रन ही नहीं हो रहा है, आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो हमें टेक्निकल वाले लोगों को ना वो कंप्लीट करके आगे जाना है। तो मेरा एक सिंपल सा माइंडसेट क्या है कि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तुम लोग है ना 5 क्वेश्चंस ले लो, डोंट टेक 50, टेक 5 अभी के लिए। 50 करना ही है लेकिन थोड़े टाइम के बाद करते हैं ना 50। इतना बड़ा पहाड़ अपने सर पे लेने से अच्छा है 5 ही ले लो। अच्छा 5 में से है ना खुद को समझो कि मैं 5 में से एक ही करूँगा। अरे पहले एक तो करो, 5 का भी लोड नहीं लेना है। देखो मेरा जब भी 12-13 आवर्स लेक्चर होता है तो मैं क्या सोचता हूँ कि पहला लेक्चर है मेरा, बाकी बाद में आराम है। जैसा दूसरा लेक्चर होगा मैं बोलता हूँ बस ये इसके बाद घर पे जाना है, कोई टेंशन नहीं है। तीसरा लेक्चर जैसा होता है कि बोलता अरे बस हो गया, अभी ख़त्म हो गया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, हो गया। हर टाइम के बाद में मैं खुद को कुछ नया दिखा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, लॉलीपॉप दिखा रहा हूँ कि अच्छा ये हो गया हो गया, फिर रुकना है और 15 मिनट और आधा घंटा। मैं ऐसा खुद को स्ट्रेच करते रहता हूँ। तो तुम लोग भी है ना 50 में से 5 सिलेक्ट किए, 5 में से मैं बोल रहा हूँ एक ले लो, पहला एक को मजबूत मारो, एक ही करना है। तुम लोग खुद को समझो अभी एक ही करना है बस। तभी तुम लोग एक पूरा करते हो, छोटा छोटा चीज़ लिख कर रखते हो, अच्छा इधर ये डिवाइड हुआ, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ, ये फॉर्मूला लगाया। हमें ना अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट छोड़ ही दिए, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला ये हमें समझ कर ले। हम ये नहीं समझते कि सेल्फ स्टडी क्या होता है, कि अच्छा ये फॉर्मूला लगाया, ओके ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं। हमें क्या हर टाइम कोई तो फीडिंग करने वाला चाहिए। तो मैं जब भी पढ़ता था तो मैं क्या करता था, अच्छा ये मुझे मालूम नहीं था, अच्छा ये ऐसा हुआ है क्या, ठीक है, ये उधर स्टोरी लिख के रखता था, ये ऐसा करते हैं, नीचे ज्वाइंट टर्म रहेगा तो रैशनलाइजेशन करते हैं, ऐसा सब मैं लिख के रखता था। फिर अगली बार मुझे याद आता, हाँ ये तो पहले भी हुआ था, अच्छा, ये ऐसा करते हैं। सो तुम लोग है ना पहले एग्जाम्पल में पूरा ऐसा उसका ऑपरेशन करके A to Z हर एक स्टेप का तुम लोग एक्सप्लेनेशन लिखना चाहिए, कैसे आया ये, कहाँ से आया ये, नया फॉर्मूला ये। पहला होने के बाद
उसको 2-3 बार कर लो, पूरा दिमाग में फिट कर लो पूरा आंसर मिलने तक। तभी तुम लोग दूसरा करने के लिए जाओगे ना, इसका 50% कंटेंट उसमें ऑलरेडी रहेगा, तो तुम लोग खुश हो जाओ, अरे तो मालूम है, ये तो मालूम है, अच्छा ये नया है, ओके। तभी तुम लोग थर्ड करोगे ना, 75% कंटेंट पहले दो का रहेगा ही, जो नया है उसको कर लो। फोर्थ पे जाओगे, पहले 3 का 90% कंटेंट रहेगा। फिफ्थ पे जाओगे, अरे ऑलमोस्ट सब वही तो है यार। सो ऐसा प्रिपरेशन होता है, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। हम क्या सोचते हैं कि बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, क्या करने का इतना पढ़कर। 120 मार्क का तो पेपर लिखना अलाउड ही नहीं है, पेपर लिखना है ऐसे। 80 मार्क का, मैं मैथ्स का बोल रहा हूँ, 80 में से तुम लोगों को लाना है 29, 32, और क्या है। सो कॉन्फिडेंस अपना हाई होना चाहिए, तो पेपर में सब कुछ पढ़ा है लेकिन यार याद ही नहीं आ रहा, यार स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेरा फॉर्मूला तुम लोगों को समझा रहेगा। एक 50 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है फॉर एग्जाम्पल, उसमें से 5 ले लो, 5 में से 1 ले लो, और 1 का पूरा ऑपरेशन कर लो कि उसमें क्या 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 स्टेप्स हुआ है। हर एक स्टेप लिखो, याद करो स्टेप्स, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये XYZ XYZ। अच्छा, ये याद रखा हुआ कंटेंट अगले वाले के लिए लेके जाओ, और उसमें क्या चेंज है वो याद रखो। दिस इज़ हाउ यू कैन बिल्ड द कॉन्फिडेंस। सो अगर अच्छा लगा रहेगा तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, मेरा क्या काम है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का, शायद किसी को फ़ायदा होता रहेगा। तो रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।